नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भृत्य पद का जो चयन है वो किस प्रकार से होगा, और आपने जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया तो जरूर से आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था या जब ऑनलाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि सहायक ग्रेड 3 और भृत्य का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सहायक ग्रेड 3 के लिए ही परीक्षा जो है लिया जाएगा, जबकि भृत्य पद या चपरासी के लिए कोई भी परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी कक्षा पांचवी के प्राप्तांक है उसमें 90% अंक आपको मिलने वाले हैं और 10% अंक जो है आपका अनुभव से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चयन होना है, क्योंकि बस्तर संभाग के समस्त जिला में 7 जिले होते हैं, तो जितने भी जिले हैं वहां पर अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिला होगा। तो आप लोग भी, उम्मीद है कि आपने भी इस फॉर्म को भर लिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो 23 तारीख को, जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 21/11 को, तो 23 तारीख को आपका अंतिम तिथि है। अगर आप भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जरूर से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप भी इस मौका का फायदा उठा सकते हैं। और भृत्य पद के लिए जो आपका चयन किस प्रकार से होगा, परीक्षा होगा कि नहीं होगा, तो आप सबके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा होगा कि इसका चयन किस प्रकार से होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भृत्य पद है उसका जो भर्ती है वो सीधी भर्ती के तौर पर लिया जाएगा, और सीधा सीधा कक्षा पांचवी के अंकों के आधार पर आपको लिया जाएगा, जिसमें से मैंने आपको पहले बताया कि 90% जो है प्राप्तांकों से लिया जाएगा, और 10% अनुभव का। अनुभव में भी जैसे आपका 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष का अनुभव है तो 4, 3 है तो 6, और इसी प्रकार से 4 है तो 8 हो जाएगा, और 5 है या 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो ये आपको किस प्रकार से निकालना है चयन के लिए, तो आपका किस प्रकार से चयन होगा इसको मैंने नोट डाउन करके लिख लिया है, आप उसको जरूर से देख लीजिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरी का पूरी बात समझ में आ जाएगा, और आप भी इसी प्रकार से आप अपने अंकों को भी निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका नाम मेरिट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और इससे पहले कि आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को से उनको शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि भृत्य पद के लिए चयन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भृत्य पद के लिए चयन जो होना है वो कक्षा पांचवी के अंक सूची के आधार पर होगा। तो आप जानते हैं कि कक्षा पांचवी में जो प्राप्त कुल अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा 150, किसी किसी के अंक सूची में 150 होगा, किसी किसी में 200 होगा, और किसी के अंक सूची में 250 अंक का टोटल पूर्णांक होता है, जो कुल अंक होता है उसमें से। मान लो अब आप जो है 150 अंक में, यहाँ पर कुल अंक मैंने यहाँ लिख लिया है, तो यहाँ पर 150 अंक है उसमें आप 60 अंक लाए हैं, तो यहाँ पर आपको 90% निकालना है। आप यहाँ पर 90% निकालेंगे, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर 150 अंक कुल अंक है, 150 अंक में आपने 60 अंक प्राप्त किया है, तो 60 का 90% निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 60 का गुना 90 किया है बटे 150 किया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से आपको 36 अंक मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 150 अंक टोटल अंक था जिसमें से मेरा 60 अंक आया है, तो 60 का 90% निकालूंगा, तो 60 गुना 90 किया बटे पूर्णांक 150 था तो 150 कर दिया, तो इस प्रकार से 36 अंक आ जाएंगे। आप भी इसी प्रकार से अपना
जो अंक है या आपने जो फॉर्म भरा है जिसमें आप अंक बताए हैं उसमें सामने वाले को, या आपने स्वयं फॉर्म फिलअप किया होंगे, तो इसी प्रकार से आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपने 36 अंक पाया। मैं एक मैं उदाहरण भी करके चल रहा हूँ, जैसे मेरा 36 अंक आ गया, तो मान लो मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, मैं भरा हूँ ऐसी ही फॉर्म क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं है, तो मुझे इस एक 60 अंकों के प्राप्तांक में मुझे 36 अंक ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मान लो अब आप जो है 36 अंक है आपका, 36 अंक है और 60 अंक पाए हैं मान लो की बात है ये, तो यहाँ पर मान लो मेरे को 2 वर्ष का अनुभव है या 1 वर्ष का अनुभव है, या यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 वर्ष का अगर अनुभव है तो 2 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष का अनुभव है तो 4 मिलेंगे, इसी प्रकार से 3 वर्ष का अनुभव है तो 6 अंक मिल जाएंगे, 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको 8 अंक मिल जाएंगे, और 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको यहाँ पर 10 अंक मिल जाएंगे, 5 या 5 से अधिक के लिए आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर 36 में आपको 2 जोड़ देना है तो यहाँ पर आप 38 अंक मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से आपको 2 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर 4 अंक जुड़ जाएंगे, तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 अंक हो जाएगा। इस प्रकार से 36 में मान लो 3 वर्ष का अनुभव है तो 6 अंक जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, 4 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर 8 अंक जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 36 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 44 अंक बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष है या 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, तो यहाँ पर 36 प्लस 10 करेंगे तो आपका 46 अंक टोटल आपको मिल जाएंगे। और इसी 46 अंक के हिसाब से ये जितना भी अंक दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार से यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। तो अगर आपका भी इसी प्रकार से अंक देखना है, आपका कितना अंक मिल सकता है, तो आप भी इसी प्रकार से अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि भृत्य के पद पर जो चयन होना है वो सीधी भर्ती हो रहा है, तो सीधी भर्ती के हिसाब से आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जितने भी प्राप्तांक है उसका 90% निकालेंगे तो 90% ये हो जाएगा, और प्लस जो है 10% जो है आपका अनुभव से मिल रहा है, तो इस प्रकार से टोटल जो है 100% जो है आपका निकल के आ सकता है, और इसी नंबरिंग के हिसाब से आपका होने वाला है। अब मान लो किसी का प्रतीक्षा सूची, जैसे आपका नंबर नहीं आया या तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 अंक या 3-4 अंक के लिए आपका थोड़ा सा कट रहा है, तो आपका प्रतीक्षा सूची में नाम आने की संभावना बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रख लिया है कि 1 वर्ष के लिए ये जो है आज जैसे रिजल्ट निकला तो आज का रिजल्ट के अनुसार 1 साल तक का ये जो है इसका वैलिडिटी रहेगा, ये वैध रहेगा कि 1 साल तक का आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का या कोई उम्मीदवार का अंक समान है, जैसे यहाँ पर 46 अंक है और कोई व्यक्ति और है जो उसका भी 46 अंक है, उस स्थिति में आपका जन्म तिथि को देखा जाएगा, जन्म तिथि जिसका जो ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा, जिसका पहले जन्म हुआ रहेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अंक समान आने पर उम्मीदवार का जन्म तिथि देखा जाएगा, जिनका जन्म ज़्यादा होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लो आपका भृत्य पद में आपका 5वीं कक्षा में 200 का पूर्णांक है, आपने जितना नंबर पाया है तो आपका जितना नंबर पाए हैं उसका 90% निकाल लेंगे और जितना प्राप्त कुल अंक है उससे भाग दे देंगे तो आपका अंक मिल जाएगा। अगर आपके पास ये अनुभव नहीं है तो ये नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, आपका यहाँ पर जो 36 दिखाई दे रहा है यही 36 जो है आपको आपको यही अंक मिलेगा और इसी के अनुसार से मेरिट निकलने वाला है। अर्थात साफ साफ कहा जाए तो जिनका पास अनुभव है उनको बहुत ही अच्छा खासा इसका इस पद के लिए लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आप सबको भृत्य पद का चयन किस प्रकार से होगा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है कि जितने अंक होते हैं
और जितने अंक पाए हो उसमें 90 का गुना कर देना है और जितने कुल अंक होते हैं उससे भाग दे देना है, तो आपका 90% निकल जाएगा। अनुभव के अनुसार भी बता दिया, और एक वर्ष के लिए जो प्रतीक्षा सूची है वो भी रहेगा ही, और अंक जो है जैसे समान आ जाता है तो उसके लिए भी मैंने पूरी बात इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।